नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जितने भी आगामी परीक्षाएं होती हैं या उसके नोटिफिकेशन आते हैं उसकी जानकारी इसी चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर है कि SBI क्लर्क जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स का जो है उसका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया है। तो मेरे भी पास एक एडमिट कार्ड है और इसमें क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंचेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें ले करके जानी है, इसके बारे में इसका एक ऑफिशियल डिटेल है। ठीक है, तो वो डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं एक एक करके, ठीक है, ताकि आप जब वहाँ पहुँचें तो आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो और आपको एग्ज़ाम हॉल से बाहर ना किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। ये सारा अंग्रेजी में लिखा है जिसे मैं हिंदी में आपको पढ़कर समझाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर पे लिखा है कि प्लीज़ ब्रिंग दिस कॉल लेटर विथ योर फोटोग्राफ अफिक्स देयरऑन अ फोटो। ठीक है, यानी जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो एडमिट कार्ड के साथ आपको उस एडमिट कार्ड के बगल में आपको फ़ोटो एक चिपका करके जाना है, फोटोकॉपी, ठीक है, पासपोर्ट साइज का। ठीक है, और मैं बता दूं अगर आपने अभी तक कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया, उस वीडियो में जाएंगे और उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में क्लिक करेंगे, वहाँ से जा करके आप जो है एडमिट कार्ड SBI क्लर्क जूनियर एसोसिएट्स का आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, साथ साथ आपको एक फोटोकॉपी लेना है, ठीक है, जो उसमें चिपका हुआ होना चाहिए, अ फोटोकॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ स्टेपल्ड विथ इट एंड द करेंटली वैलिड, यानी आपको एक फ़ोटो आइडेंटिटी भी लेकर जाना है जो करेंटली वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा फ़ोटो आईडी इन ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल फ़ोटो आईडी भी लेकर जाना है, एंड टू एडिशनल फोटोग्राफ, और साथ ही साथ आपको दो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी लेकर जाना है जो आप फॉर्म भरते वक्त दिए थे। ठीक है, ये सारा एसेंशियल है। दूसरा नंबर पे कह रहा है कि करेंटली वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, तो अभी का फ़िलहाल का एक वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, मे बी पेन कार्ड, जिसमें आप पेन कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं विथ फोटोग्राफ, जिसमें फ़ोटोग्राफ चिपका हुआ हो, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक ले जा सकते हैं जिसमें फ़ोटोग्राफ हो। फिर आगे है फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय अ गैजेटेड ऑफिसर, ठीक है, ऑफ ऑफिशियल लेटर हेड, ठीक है, या फिर फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एन, तो इतना कुछ आपको लेकर नहीं जाना है, तो आप पेन कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट या परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर वोटर आईडी कार्ड जिसमें आपका फ़ोटो, साथ साथ आपका डेट ऑफ बर्थ वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म भरते वक्त डेट ऑफ बर्थ डाला था। तीसरा नंबर पे क्या लिखा हुआ है, तीसरा नंबर इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है क्योंकि ये बोल्ड कलर में नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं कि प्लीज़ नोट रेशन कार्ड एंड लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज वैलिड आईडी प्रूफ, यानी अगर आप राशन कार्ड लेकर जा रहे हैं या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है लर्नर का यानी सीखने का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आपका वैलिड नहीं किया जाएगा। चौथा नंबर पे क्या कह रहा है, प्लीज नोट कैंडिडेट रिपोर्टिंग विदाउट टू एडिशनल फोटोग्राफ्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, यानी आपको दो फोटोग्राफ लेकर जाना ही होगा। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ग्लू फॉर पेस्टिंग फोटोज ऑन अटेंडेंस सीट, यानी आपको साथ साथ एक ग्लू भी लेकर जाना है, ठीक है, जिसको आपको आप अपने अटेंडेंस सीट में आप उसे अटेस्ट करेंगे। ठीक है, पांच नंबर में कह रहा है यू मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन वेन्यू 15 मिनट्स बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम, यानी आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे 15 मिनट पहले पहुंच जाएं ताकि कोई असुविधा ना हो। छः नंबर में कह रहा है टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, यानी अभी तो पता ही है कि कोरोना का महामारी चल रहा है तो जिसके कारण आपको सोशल डिस्टेंसिंग के जो भी नियम है उसका पालन करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है कि ईमेल एंड SMS विल बी फॉरवर्डेड टू यू अ डे प्रायर द एग्जामिनेशन, प्रायर टू द एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी आपका जैसे कि एग्ज़ाम 11 तारीख को होगा तो उससे एक दिन पहले आपको ईमेल और SMS किया जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद आपको बताया जाएगा प्रायर डे प्रायर टू द एग्जामिनेशन स्पेसिफाइंग द एग्जैक्ट टाइम एंड रिपोर्टिंग टू टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग एट द वेन्यू, ठीक है, ताकि मतलब भीड़ भाड़ ना हो। इसके लिए आपको SMS करके इसके बारे में भी एग्ज़ाम के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। हावेवर वी आर प्रोवाइडिंग यू द कॉमन रिपोर्टिंग टाइम इन द कॉल लेटर। कॉल लेटर में जो आपका प्रोवाइड किया गया टाइम वो कॉमन रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है। इफ़ यू डोंट गेट एनी इंटीमेशन प्रायर टू द एग्ज़ाम यू शुड फॉलो द रिपोर्टिंग टाइम प्रिंटेड इन द कॉल लेटर। तो अगर कोई इंटीमेशन नहीं मिलता है कोई, ठीक है, तो आपका जो एडमिट कार्ड में जो आपको टाइम रहेगा वही आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। सेवेंथ नंबर पर लेते हैं। सेवेंथ नंबर में क्या कर रहे हैं, लेट कमर्स विल नॉट बी अलाउड टू टेक द टेस्ट। यानी अगर आप लेट पहुंचते हैं एग्ज़ाम हॉल में तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल टिल द टाइम फॉर द टेस्ट इज़ ओवर। यानी कैंडिडेट को ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपका जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ तब तक आप हॉल से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। और परमिशन टू लीव द हॉल इज़ गिवन बाय द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। यानी आपका जब तक नहीं, टेस्ट लेने वाले एडमिनिस्ट्रेटर आपको बोलेंगे कि आप एग्ज़ाम हॉल से निकल सकते हैं तब तक आप नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। आठवां नंबर क्या कह रहा है, योर फोटोग्राफ अफिक्स्ड ऑन द कॉल लेटर शुड मैच द वन अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे उस वक्त जो आपने फ़ोटो दिया था, अफिक्स किया था, उसी प्रकार का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आपको कम से कम 3-4 लेकर के जाना है, ठीक है। फेलिंग विच यू विल नॉट बी अलाउड टू अपियर फॉर एग्जामिनेशन। अगर आप उस प्रकार का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो नहीं ले जा सकते हैं तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। तो ये आप एग्ज़ाम याद रखें कि जो आपने अपलोड किया था, जो आपने फॉर्म भरते वक्त फ़ोटो दिया था, वही फ़ोटो, उसी का आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटो कम से कम 3-4 लेकर के चले जाना है। रजिस्ट्रेशन एट द एग्ज़ाम वेन्यू विल बी डन थ्रू फोटो कैप्चर। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा एग्ज़ाम हॉल के अंदर। फोटो कैप्चर्ड विल बी मैच्ड विद द फोटो अपलोडेड बाय यू। तो जो फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा वो मैच कराया जाएगा जो आप फोटो अपलोड करेंगे, ठीक है, इन द एप्लीकेशन एज प्रिंटेड इन द कॉल लेटर। यू मस्ट नॉट चेंज योर अपीयरेंस फ्रॉम द फोटो अपलोडेड बाय यू, ठीक है। तो फोटो जो आप अपलोड करेंगे वो आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। दसवां नंबर कह रहा है, योर सिग्नेचर शुड टैली विद द सिग्नेचर अपलोडेड। तो आप जो सिग्नेचर करेंगे वो मैच करना चाहिए जो आप फॉर्म भरते वक्त सिग्नेचर किए थे। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी यू विल नॉट बी अलाउड टू अपियर फॉर द एग्जामिनेशन। अगर मैच नहीं करता आपका सिग्नेचर तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसके आगे क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। आई तो ये तो आपका ये सारा भरने का रहेगा, ठीक है, आपका सिग्नेचर करना है और यहाँ पे आपका इन्विगिलेटर आपको सिग्नेचर करेंगे, बैंक ऑफिशियल सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। तो ये सब में कुछ भरना नहीं है, और क्या है इसमें कुछ खास वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पेज का इंस्ट्रक्शन है जिसमें से प्लस 1 पेज डिक्लेरेशन भी है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन जो था वो मैंने आपको इम्पोर्टेंट सारा बता दिया है। साथ ही मैं बता दूं कि और इसमें क्या खास है वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें और क्या खास है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये आप पॉज करके भी पढ़ लेंगे, ठीक है, क्या है के अलावा क्या खास है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ़ यू आर फाउंड रिजॉर्टिंग टू एनी अनफेयर मीन्स इंक्लूडिंग गिविंग रिसीविंग हेल्प टू फ्रॉम एनी कैंडिडेट ड्यूरिंग द टेस्ट यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। यानी अगर आप किसी प्रकार का अनफेयर मीन्स करते हैं, यानी किसी से हेल्प लेते हैं या किसी को हेल्प करते हैं
क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आपको डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। यू शुड बी विजिलेंट टू इंश्योर दैट नो अदर कैंडिडेट इज एबल टू कॉपी फ्रॉम योर आंसर। तो कोई भी आपका कॉपी ना करें या आप किसी का कॉपी ना करें, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। और इसके अलावा क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसके अलावा यहाँ पे जो है वो आप देख लीजिए चौथा पेज में, कि सोशल डिस्टेंसिंग मोड कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए है, मास्क लगाकर आपको जाना होगा, ग्लोव्स पहनना है, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए, ठीक है, हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, सिंपल पेन होना चाहिए या पेंसिल इरेजर एंड ग्लू। ये यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली सर्टेन आइटम्स। तो सिंपल पेन आप ले के जा सकते हैं, ठीक है, पेंसिल लेकर, इरेजर और ग्लू लेकर। और उसके बाद क्या है, एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि कॉल लेटर आपको लेकर जाना है, फोटोकॉपी ऑफ आईडी कार्ड लेकर जाना है, ठीक है, आईडी कार्ड इन ओरिजिनल लेकर जाना है, साथ साथ ओरिजिनल आईडी भी लेकर जाना है। और मैंने आपको बता दिया था कि डेट ऑफ बर्थ मैच करना चाहिए, साथ ही आपको जो फ़ोटो लेकर जाएंगे वो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आपका उस फ़ोटो से मैच करना चाहिए जब आप ऑनलाइन भर रहे थे फॉर्म को, ठीक है। दो तीन आप एडिशनल फ़ोटोग्राफ्स ले लेंगे, ठीक है, ओरिजिनल आईडी भी ले लेंगे, ये सारा चीज़ है। इसके अलावा और क्या है यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ है कि आप आठवां नंबर पे देख सकते हैं कि अ कैंडिडेट मस्ट हैव आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड ऑन हिज मोबाइल। द आरोग्य सेतु स्टेटस मस्ट शो कैंडिडेट्स रिस्क फैक्टर। अ कैंडिडेट विल हैव टू डिस्प्ले दिस स्टेटस टू द सिक्योरिटी गार्ड एट द एंट्री एग्ज़ाम, ठीक है, ये कहा जा रहा है। इन केस कैंडिडेट डज नॉट हैव अ स्मार्टफोन, सी और ही विल हैव टू ब्रिंग इन अ साइन डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट, डिक्लेरेशन प्रोवाइडिंग। ये सब कुछ खास है, लेकिन तो भी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, और फिर कैंडिडेट डज नॉट हैव अ स्मार्टफोन, ये तो छोड़िए, ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो जो भी खास बातें थे वो तो मैंने आपको ऊपर में बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो भी नॉर्म्स है वो आपको एग्ज़ाम हॉल में बताया जाएगा। देखिए ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पे आपको, अगर आपको कफ नहीं है तो टिक मारना है, ठीक है। अगर आपको कफ है तो यस आई हैव करना है, लेकिन अगर कफ नहीं है तो लिखना नो आई डोंट नो, मैंने आपको क्रॉस का साइन लगाना है। अगर नहीं है तो इनमें से, कफ नहीं है तो क्रॉस लगाना है, फीवर नहीं है तो क्रॉस लगाना है, सोर थ्रोट नहीं है क्रॉस लगाना है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं है क्रॉस लगाना है, बॉडी एच नहीं है क्रॉस लगाना है। यहाँ पे नीचे आप फिर अपना नाम लिखेंगे कि आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, एग्ज़ाम डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम सेंटर नेम क्या है, और आपका सिग्नेचर। यहाँ पर ये सारा चीज़ है जो आपको वहाँ आपको एग्ज़ाम हॉल में करना होगा जब आप SBI क्लर्क जूनियर एसोसिएट्स एंड कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स का एग्ज़ाम देने पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये सारा था जानकारी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, साथ ही अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या क्या आपको एग्ज़ाम हॉल में लेकर जाना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाएंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।